Hey, what's up guys, this is T and you are watching Online Money as usual. तो दोस्तों स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल ऑनलाइन मनी में। अगर आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। तो दोस्तों आज आप आए हो जानने के लिए कि $5 को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं हम $1000। इवन गाइस मैं बोलूंगा आप इसको सिक्स फिगर अर्निंग में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सिक्स फिगर अर्निंग का मतलब ये होता है कि $10,000 नॉट रुपीज, मैं डॉलर की बात कर रहा हूँ। और गाइस इट इज पॉसिबल, क्योंकि इट इज पॉसिबल मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लोग इस वे से, जो वे मैं आपको बताने वाला हूँ उससे लोग अर्निंग कर रहे हैं। यहाँ कोई भी चीज़ उड़ता हुआ भाला नहीं होता। पहले बात मैं बता दूँ, जो भी चीज़ मैं लेके आता हूँ किसी लॉजिक के साथ लेके आता हूँ, किसी कैलकुलेशन के साथ लेके आता हूँ। ओके तो दोस्तों बहुत सारी ऐसी वीडियोस आती हैं, इवन मेरे चैनल पे मैं भी बनाता हूँ, ऐसी बहुत सारी वीडियो बनाता हूँ जहाँ मैं आपको बताता हूँ कि आप इस ऐप से अर्निंग कर सकते हो, इस ऐप से अर्निंग कर सकते हो। लेकिन गाइज वो ऐप से अगर आप ऑनलाइन में एक बिजनेस सेट करने आए हो तो आप उस ऐप से अर्निंग नहीं कर सकते। आई एम राइट, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो प्लीज डोंट वॉच दिस वीडियो एंड स्किप नाउ, और छोड़ दो, अभी से छोड़ दो इस वीडियो को, मत देखो। लेकिन गाइज अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो प्लीज वॉच दिस फुल वीडियो। अगर आप सच में पैसा बनाना चाहते हो तो आज मैं बहुत ही ज्यादा सीरियस मूड में आपको सीरियस चीजें बताने वाला हूँ कि लोग कैसे पैसे बना रहे हैं। ठीक है, इंडिया में हम लोग क्या सोचते हैं, हम लोग एक ब्लॉगिंग कर सकते हैं, दूसरा हम लोग एक यूट्यूबर बन सकते हैं, तीसरा हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ MLM कर सकते हैं। ओके राइट, हम लोग ये सब सोचते हैं। और एक ट्रेंड है जो ऐप बना सकते हैं। ये जो चार ट्रेंड है, चार पांच ट्रेंड है, बहुत ही ज़्यादा चलती हैं। ठीक है, हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, हम ये मानना है हमारा, क्योंकि हमारी जो स्किल है, हमारी जो सोच है वो है सरकारी नौकरी वाली। ठीक है, हम हमेशा अपने आप को एक सिक्योरिटी के साथ, मतलब सिक्योरिटी की तरफ ले जाते हैं कि हमारी लाइफ कैसे भी सिक्योर हो जाए, और वहाँ से हम, मतलब समझ रहे हो, बस एक लाइफ स्टाइल, बस कुछ छोटा सा मिल जाए, थोड़ी गाड़ी हो जाए और घर हो जाए, और मतलब थोड़ा सा एक अच्छा रिच लाइफ स्टाइल हो जाए, और बस वहाँ से सब कुछ खत्म। राइट, यही हम लोग का ज़्यादातर सोचना है, क्योंकि हमें मतलब बचपन से ही ऐसा टारगेट किया जाता है और हमें ये सब सिखाया जाता है कि हाँ बस इतना ही लाइफ है। ओके, ज़्यादातर ये तो मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, लोग तो बहुत ऐसा सिखाते हैं कि आप बस इतना करो कि आपकी सरकारी नौकरी लग जाए और वहाँ से आपको सेटल हो जाओ। लेकिन गाइज अगर आप ऑनलाइन में आए हो तो आप ऑनलाइन में घंटा यहाँ पर सेटल होने नहीं आए हो। ठीक है, आप रिच बनने आए हो, आप पैसे कमाने आए हो, आप एक अपनी लाइफ स्टाइल बनाने आए हो, एक बड़े एंटरप्रेन्योर लेवल पे जाना चाहते हो। ठीक है, राइट, सब यहाँ यही करने आए हैं। ठीक है, कोई यहाँ टाइम पास करने नहीं आया, फैक्ट बात करूंगा, लॉजिक बात करूंगा, फालतू का ज्ञान नहीं। ठीक है, तो सब पैसे कमाने हैं, तो पैसा इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। ठीक है, यहाँ पैसा हमको फर्स्ट देखना है कि पैसा हम कैसे बना सकते हैं, उसके बाद बाकी की चीजें जो खरीदना है ना खरीदना है। ठीक है, तो ये जो चार पांच चीजें हैं ये हम सोचते हैं ऑनलाइन में करने के, लेकिन गाइस ये रॉन्ग है। ठीक है, मैं बहुत सारे ऐप्स की वीडियोस बनाता हूँ, अभी लास्ट वीडियो आई थिंक ऐप की आपने देखी होगी, तो ऐप की वीडियोस बनाता हूँ। गाइस वो सब क्या चीजें हैं, वो सब ये चीजें हैं कि वो आपको एक तरीके से कुछ पैसे, कुछ पॉकेट मनी दे सकती हैं। ओके, लेकिन आपको वो एक मंथली इनकम नहीं दे सकती, मंथली रेवेन्यू नहीं दे सकती, वो आपको एक महीने, दो महीने, ज़्यादा ज़्यादा एक हफ्ते, ज़्यादा ज़्यादा 10 दिन 15 दिन पैसे दे सकती है। मतलब वो जो आप फुटकर पैसा खर्च करते हो ना, इधर घूमते हो, उधर घूमते हो, पैसे खर्च हो जाते हो, वहाँ आप उनका यूज़ कर सकते हो, लेकिन आप उससे एक अपनी लाइफ स्टाइल और एक बिजनेस नहीं बना सकते। और ये 101% राइट है। ठीक है, तो सबसे बड़ा मेजर रूल यही है कि उन सब चीज़ों से आप अपना लाइफ नहीं बना सकते। ठीक है, और मैं ये यूट्यूब की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं छोटे मोटे ऐप्स की बात कर रहा हूँ, छोटी मोटी चीज़ों की बात कर रहा हूँ, और बाकी जो चार पांच चीज़ें मैंने बोली हैं वो मैं बात कर रहा हूँ कि इतना ही लोगों को पता है कि इतना चीज़ें ऑनलाइन में होती हैं। ठीक है, इवन इंडिया में एफिलिएट ड्रॉप शिपिंग, ये सब चीज़ों के बारे में भी लोगों को नहीं पता है, बिल्कुल नहीं पता है, बस वो नेम जानते हैं। कुछ लोग हैं जो नेम जानते हैं, लेकिन वो लोग नहीं जानते कि इन सब चीज़ों से लोग $100,000 मतलब 70-80 लाख रुपए के, करोड़ रुपए मंथली अर्निंग कर रहे हैं, और वो लोग इंडिया में भी हैं, इंडिया के बाहर तो हजारों लोग हैं। ठीक, लेकिन आप कैसे अर्निंग करोगे तो आप उतना मनी कन्वर्ट कर सकते हो। आज मैं 101% एक रूल आपको देने वाला हूँ, एक पूरा स्किल और एक टेक्निक बताने वाला हूँ जिससे आप ये इजी कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले तो लोगों को फाइंड करना सीखो, मतलब सबसे पहले इस चीज़ को फाइंड करना सीखो कि आप लोगों को वैल्यू कैसे दे सकते हो। ठीक है, एक तरीका बस बता रहा हूँ जिससे आप बहुत ही अच्छा मनी बना सकते हो, बहुत ही अच्छा, अगर आप सच में मनी अर्निंग करना चाहते हो तो।
ईबुक, ईबुक पकड़ लो, आज के समय में ईबुक बहुत चलती है। ईबुक मतलब कुछ भी मत बनाओ, कुछ भी मत लिखो, गाइस सिर्फ $5 में आपको ईबुक बना के मिल जाती है। डोंट गो फॉर ईबे, डोंट गो फॉर अमेजॉन, डोंट गो फॉर क्या क्या होती है ना साइट्स, फ्रीलांस, वहां जाके सेल करो या वहां जाके लोगों को दो कि आप बना दो, ठीक है? नहीं, कुछ चीज का यूज करने की जरूरत नहीं है। हैशटैग्स यूज करो अपने सोशल मीडिया में, हैशटैग्स यूज करो अपने सोशल मीडिया में। वहां आप जैसे अगर आप फाइवर पे जाते हो तो वहां $5 से कम का कोई गिग नहीं है, ठीक है? कोई गिग नहीं है $5 से कम का। आप, मैं बोलता हूँ आप सिर्फ $2-3 में भी इन इंडिया में मैं आपको गारंटी देता हूँ लोग आपको बना के दे देंगे ऑन सोशल मीडिया, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। लिख के दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है? ई बुक बोल रहा हूँ, लेकिन मैं मैक्सिमम लेके चलता हूँ आप $5 का बनवाते हो एक ई बुक, ठीक है? अब ई बुक बनवानी कैसे ई बुक? बस यूं ही नहीं मुंह उठा के चले जाना है और बोलना है कि भाई मेरे लिए तो ई बुक लिख दे, एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर लिख दे, या तो फुटबॉल के ऊपर लिख दे, या तो क्रिकेट के ऊपर लिख दे। नहीं नहीं, पहले मार्केट की वैल्यू को समझो। सिर्फ एक वैल्यू समझोगे वो आपको करोड़ों रुपए देके जाएगी, और मैं इसकी गारंटी लेता हूँ क्योंकि ये चीज़ें हो रही हैं, मैंने की हैं और ये चीज़ें होती हैं। अगर आपको फर्स्ट स्टेज पे पैसा चाहिए तो ये चीज़ आप यूज़ करो। आप $1,000 नहीं, मैं प्रॉमिस के साथ आपको बोल सकता हूँ, आप $10,000-15,000 आराम से अर्निंग कर सकते हो इससे। और ये कब, वो कैसे होगा, वो चीज़ आज मैं आपको बता रहा हूँ कि वैल्यू वाली ई बुक चाहिए आपको, मार्केट की नीड समझो, ठीक है? अगर मैं अगर ऐसे ही अभी एक चीज़ आपको बताऊं तो मैं बोलता हूं कि YouTube, ठीक है? YouTube आज के समय में बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड है, हर कोई यूट्यूबर बनना चाहता है, हर सबको सब्सक्राइबर चाहिए, सबको लाइक चाहिए, शेयर चाहिए, कमेंट चाहिए, मतलब सबको एक फेमस बनना है। तो एक बुक लिखो ना, हाउ टू बी फेमस, ओके? एक बुक लिखवाओ ना कि आप सब्सक्राइबर कैसे बन। अरे गाइज, स्कैमर्स, जो उनको मैं स्कैमर्स ही बोलूंगा, जो सब्सक्राइबर बेचते हैं कि भाई $10 में, $20 में इतना सब्सक्राइबर ले, $30 में मैं 100 सब्सक्राइबर, 1,000 सब्सक्राइबर देता हूँ, ये सब क्या है? ये सब कुछ नहीं है, सब बॉट है, फालतू चीज़ें हैं जो कभी एक्टिव नहीं होते आपके चैनल पे, कोई भी उनका वैल्यू नहीं होता आपके चैनल में। तो ऐसे सड़े मड़े लोग जब $30 और $40 की चीज़ें आके लोगों को बेच डालते हैं, उनको 100 सब्सक्राइबर से फर्जी के बस नंबर वहाँ बढ़ जाते हैं, जिनकी कोई वैल्यू नहीं होती वो बेच सकते हैं, तो आप वैल्यू की चीज़ें क्यों नहीं बेच सकते? आप वैल्यू की चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इजी बेच सकते हो, बस आपको लोगों को वैल्यू ही तो देनी है, और क्या देना है। एक बार फिगर आउट करो कि क्या चीज़ में आप अच्छे हो और क्या चीज़ आपके कस्टमर्स, मतलब आपके सोशल मीडिया पे जो लोग हैं वो चाहते हैं। बस इस दो चीज़ को एनालाइज कर लो, जिसको मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, वो है वैल्यू। जब आप इस चीज़ को एनालाइज कर लोगे तो आप $5 को $5,000-10,000 में कन्वर्ट करने में बिल्कुल नहीं चूकोगे। और गाइस मैं बता दूं, यहाँ मैं सिर्फ इंडियन मार्केट को टारगेट करने नहीं बोल रहा हूँ, आप वर्ल्ड वाइड टारगेट करो, ठीक है? अगर इन अ केस अगर आपको ज़्यादा रुचि नहीं है, मतलब आपको ज़्यादा मतलब नहीं है इंग्लिश से, तो आप हिंदी में लिखो। अब लोग बोलेंगे हिंदी में हम किसको बेचेंगे? गाइस पूरी दुनिया जो है ना वो हम पे फोकस करके रखी है, मतलब हम इंडियंस पे पूरा फोकस है उसका, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ा मार्केट है जो अभी ग्रोथ ले रहा है इंटरनेट की वजह से। तो हम हैं, हमारे पास सब कुछ है, तो हम क्यों जाते हैं उनके पास? क्यों? क्योंकि बस उनके पास इंग्लिश है, वो हमारे पास आते हैं, वो हमारे कंट्री में आते हैं इन्वेस्ट करने। देख लो जितनी भी बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं वो हमारे कंट्रीज में घुस रही हैं, सॉरी हमारे कंट्री में घुस रही हैं। क्यों घुस रही हैं? क्योंकि उनको यहाँ मार्केट दिख रहा है, और हमारे अपने लोगों को ही यहाँ मार्केट नहीं दिखता है, ठीक है? क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि हम लोग अंधे हैं, हम लोग क्या बोलूँ, गलत शब्द यूज नहीं करना चाहता, लेकिन गाइस हम लोग पागल हैं, सही बता रहा हूँ। हम लोग ऐसे लोग हैं कि हम लोग को झटके में पैसा चाहिए, और हम लोग कभी भी अपना माइंड यूज़ नहीं करते, कोई भी चीज़ आता है उसमें भेड़ चाल में चल जाते हैं और स्टार्ट हो जाते हैं। ये फैक्ट है, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ अभी डिसलाइक मारो वीडियो को, डिसलाइक मारो, जो करना है वो करो। यही फैक्ट है गाइस, यही फैक्ट है कि हम लोग की प्रॉब्लम ये है कि हम लोग कभी भी रुक के सोचते नहीं है कि हम क्या कर सकते हैं। तो अगर आप ये $5 की ई बुक बना लेते हो, मैं आपको दो एग्जांपल देता हूँ। सबसे पहला जो एग्जांपल मैंने आपको दिया कि कैसे फेमस होना है, इस पर छोटी सी 5 से 10 पन्ने की बुक लिख डालो यार, अगर ये नहीं तो CD बना डालो, वीडियो बना सकते हो आप। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिन पर आप जाके अपना सिक्योर वीडियो लेके, अरे मत बेचो ना 5,000 की, मत बेचो ना 2,500 की, मत बेचो ना 2,000 की, बेचो ना 1,000 रुपये की। 1,000 रुपये की भी एक वीडियो बेचोगे, अगर 10 लोगों को बेचते हो तो 10,000 रुपये इन इंडियन रुपीज़ आपको मिलता है,
10,000 रुपए। अगर आप उसको इंग्लिश में बना देते हो, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, बाहर वाले $5-10 देने में एक मिनट नहीं सोचते हैं, अगर अगर आप उनको वैल्यू देते हो तो। अगर आपका जो सिस्टम है वो उनको वैल्यू देता है तो वो 10 मिनट भी नहीं सोचते मेरे दोस्त, 10 मिनट भी नहीं सोचते $5-10 देने में। ठीक है, आप वीडियो बना सकते हो, वीडियो बना के उसको सेल कर सकते हो, ई बुक बनवा के सेल कर सकते हो, आपको बनाना भी नहीं है यहाँ, इनफैक्ट बनाना भी नहीं है आपको, बनवाना है। बहुत सारे ऐसे फ्रीलांसर हैं जो आपको अलग अलग ग्रुप्स में मिल जाएंगे, आप जाओ सर्च करो फ्रीलांसर्स ग्रुप ऑन फेसबुक, ठीक है, फिल्टर करना और डालना लोकल एरिया, कि आप उनसे फेस टू फेस किसी कैफे में जाके भी बात कर सको, आप उनको अपना आइडिया शेयर कर सको, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कंफर्ट नहीं होते हैं ऑनलाइन में मीटिंग करने में, तो वो अपने एरिया वाइज भी सर्च कर सकते हैं, फिल्टर में डालना, जो भी आप पुणे में रहते हो पुणे डालना, छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ में डालना, मतलब जहां रहते हो फिल्टर में डालना, तो वो ग्रुप आपके सामने आ जाएगा, फिर आप उससे फेस टू फेस मीटिंग कर लो, वहां आप बता दो कि मुझे ऐसी ऐसी चीजें तुम बना के दो। गाइज, फ्रीलांसर्स को क्या चाहिए रहता है, एक कस्टमर जो उनको रिव्यू दे सके मार्केट में, और कुछ नहीं। तो ऐसे एक न्यूबी को पकड़ो, उससे $5 में बनवाओ, अभी $10 भी अगर वो लेता है तो दो, बनवाओ उससे, बनवाओ, मैं बता रहा हूँ वर्थ इट होगी। बस याद रखना कि सबसे बड़ा टॉपिक है वैल्यू, वैल्यू वाली ई बुक ही बनवाना, कि जो मार्केट में सबसे ज़्यादा नीड है। मैं दो चीज़ आपको बता दिया हूँ, हाउ टू फेमस और हाउ टू गेन यू सब्सक्राइबर ऑन यूट्यूब, ये दो चीज़ अगर मार्केट में इस समय आती हैं, अभी ये दो चीज़ नहीं है मार्केट में, अगर कोई लाता है, अब बहुत सारे लोग बनाने लग जाएंगे इस वीडियो के बाद, हो सकता है, तो आप इसमें कुछ यूनिक भी ऐड कर सकते हो, अगर कोई लाता है तो ये बिल्कुल चलने वाली है। ज़्यादा लंबी ई बुक नहीं, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं, छोटा। अब फिगर आउट कर लेते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं, क्योंकि लोगों को कैलकुलेशन में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, कि वो ज़्यादा समझते हैं कैलकुलेशन से। ओके, तो कैलकुलेशन थोड़ी सी कर लेते हैं। कैलकुलेशन मैं आपको बताता हूँ, अगर आप मान लो $5 की एक वीडियो नहीं, मैं ई बुक लेके चलता हूँ, ओके, वीडियो तो इससे भी बहुत महंगी बिकेगी, मुझे पता है, क्योंकि वीडियो लोग कोर्स बेचते हैं 5,000, 10,000, 12,000, सड़े मड़े कोर्स, गाइस सड़े मड़े कोर्स, हाँ मैं सबको मुंह पे बोलता हूँ सड़े मड़े कोर्स, बिकॉज आई डोंट वांट योर मनी, ओके, आई डोंट वांट योर मनी। मैं यूट्यूब बनाया हूँ आपको वैल्यू देने के लिए, आपका पैसा लेने के लिए नहीं, ठीक है, आपका पैसा लेने के लिए मैं YouTube नहीं बना रहा हूँ, मैं YouTube बना रहा हूँ कि आपको मैं वैल्यू दे सकूँ, क्योंकि मैं भटका हूँ, और मतलब चीज़ों को ले के इधर उधर से कलेक्ट करके सिखाऊँ, तो आपको सिर्फ एक वे मिले, इसलिए मैं ये वीडियोस क्रिएट कर रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। सो हम बात कर रहे थे कि कैलकुलेशन, ठीक है, मैं ई बुक की बात करता हूँ, वीडियो बहुत महंगी बिकेगी, मुझे पता है, अगर आप थोड़ा सा उसमें सेंस डाल दोगे तो बहुत महंगी बिकने वाली है, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ, ठीक है। आलतू फालतू लोग बेचते हैं, मुझे ये भी पता है, मार्केट में आप खुद जाके सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। तो वो चीज़ की बात हटाते हैं और ई बुक की बात करते हैं, अगर एक $5 का आप ई बुक बनाते हो, ठीक है, और अगर आप मान लो रेयर केस बता रहा हूँ, 100 लोगों को बेचते हो एक महीने में, गाइस रेयर बता रहा हूँ, आप इसे भी ज़्यादा बेच सकते हो सोशल मीडिया पे, बस आपको टारगेट करना आना चाहिए और कुछ भी नहीं है खेल। अगर वैल्यू रहा तो 100 के आप 1,000 भी जाओगे, और अगर एक बुक आप सिर्फ $10 की बेचते हो, गिरे से गिरे कंडीशन में एक बुक सिर्फ $10 की बेचते हो, तो 100 लोग मतलब $1,000 की आप अर्निंग करते हो, जिसमें से 50% आपका प्रॉफिट है, और 50% आपका प्रॉफिट है, 50%। अगर आप उसको एक फिजिकल बुक में बेचते हो तो 50% आपका प्रॉफिट है, एक फिजिकल। अगर आप डिजिटल में बेचते हो तो सिर्फ एक बुक बनवाई है आपने डिजिटल में, समझ रहे हो, डिजिटल मतलब इंस्टामोजो एक साइट है जहां पर आप अपनी ई बुक बेच सकते हो, सॉरी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, आप उसको किसी पे भी जाके बेच सकते हो, आप अमेजोन पे, ईबे पे, या मैं सबसे ज्यादा जो बोलूंगा वो मैं बोलूंगा एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो आपका हो, हैशटैग्स यूज करो और उसमें एक छोटा सा क्लिप डाल दो या एक छोटी सी पोस्ट बना दो कि मेरे पास ये बुक है और मैं ये चीज सेल करना चाहता हूँ, बस इजी बिल्कुल सिंपल जाना है, मतलब बिल्कुल क्रिटिकल नहीं होना किसी भी चीज के साथ, सिंपल जाना है, ठीक है। तो ऐसे करके आप बना सकते हो, और अगर आप 100 लोगों को भी बेचते हो तो आपने लगाए सिर्फ $5 इन डिजिटल प्रोडक्ट सॉफ्टवेयर, मतलब इंस्टा मोजो से बना के आपने किंडल पे डाल दी, ईबे पे डाल दी, या किसी में भी डाल दी, तो $5 आपने लगाया, उससे गेन किया आपने $995 गेन किया।
अगर आपने मान लो एक फिजिकल बुक बना डाली, ठीक है, इनकेस कोई नहीं बनाएगा मुझे पता है, लेकिन एक बात कर लेते हैं, मान लो एक फिजिकल बुक बना डाली, रेयर से रेयर कंडीशन लेते हैं ना हम, रेयर से रेयर लेते हैं साले को, हमको नहीं करना कुछ ज्यादा, नहीं बनना होशियार, हम रेयर से रेयर कंडीशन लेंगे, हम फिजिकल बुक मान लेते हैं, ठीक है, तब भी आपका $500 आपकी जेब में आता है, जो 70,000 रुपये होता है, सॉरी 35,000 रुपये होता है इंडियन के अकॉर्डिंग, ठीक है, 70 रुपये से मैं लेके चल रहा हूँ $1, तो 35,000 रुपये आता है आपका, और लगाया कितना $5, ठीक है, $5 आपने लगाया, 350 रुपये के आसपास आपने लगाया है, और बना है कितना $35,000। अब कुछ लोग बोल रहे होंगे अरे नहीं यार मेरी कैपेसिटी नहीं है, तो सबसे पहले तो यही गलती है क्योंकि आपकी माइंडसेट ही खराब है। कभी भी 10,000 बेचने का सोचो, 10,000 बुक बेचने का सोचो, 1,000 तो बेच ही डालोगे, 1,000 तो बेच ही डालोगे रेयर से रेयर कंडीशन में। और अगर गाइस मैं बता दूं, एक ही चीज मैं बार बार बात करता हूं, वो होती है वैल्यू, वैल्यू, वैल्यू। अगर उस बुक में वैल्यू रही तो आप 100 तो नहीं, मैं बता रहा हूं 50,000 भी बेच डालोगे, ठीक है। अब कुछ लोग स्टॉक हो गए होंगे, नहीं हमसे हो नहीं सकता, हम 50,000 बेच नहीं सकते, तो मैं एक आपको बता रहा हूं कि वैल्यू का इफेक्ट क्या होता है मार्केट में। ये इफेक्ट होता है वैल्यू का कि आप उस पर कंट्रोल ही नहीं रहेगा, आपका कंट्रोल ही नहीं रहेगा, वो बिकती चली जाएंगी चीजें, क्योंकि सब कुछ ऑटोमेटिक है, कोई भी चीज आपको नहीं करनी है, आपको बस अपने दिमाग से मैनेज का गेम खेलना है और एक सही माइंडसेट से चलना है और कैसे सेल करना है ये समझना है, बस और कुछ भी नहीं है आखिर। तो आप ऐसे $5 को कितने ही डॉलर में कन्वर्ट कर सकते हो, और मैंने तो आपको पूरा आइडिया और स्केल दे दिया, ठीक है। मान लो रेयर कंडीशन में यार आपने 10 बुक बेचा, $5 की एक बुक बनाई, 10 बुक बेचा, $100 तो अर्न किए, अर्न किए लगाए थे 5, $95 तो आए जेब में, 7,000 रुपये होते हैं, 350 रुपये लगाए, 7,000 रुपये कमाए, तो ये भी तो है ना, कुछ कुछ तो है ना। इससे फिर दूसरी चीज बनवाओ, वैल्यू को ढूंढो, ठीक है। और गाइस मैं अगर मैंने बोला कि आपको एक बुक क्रिएट करना है, तो जरूरी नहीं आप एक बुक क्रिएट करो, आप बहुत सारे बुक्स क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, आप बहुत सारे ई बुक क्रिएट कर सकते हो, डोंट गो फॉर वन, ठीक है, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, मरने वाले हैं हम, बहुत जल्दी मरने वाले हैं, सबके पास लिमिट है, टाइम की लिमिट है, नहीं पता कल हो या ना हो, ठीक है, लेकिन तब भी हम तय करके चलते हैं कि हम इतने साल में मरेंगे, ठीक है, तो लिमिट है टाइम की, हम एक एक करके चीज़ों को नहीं ट्राई कर सकते। आप एक साथ 5 चीज़ों को ट्राई करो, लेकिन लेकिन कब ट्राई करो, जब आपका माइंड सेट 5 में काम करता है तब। अगर आप नहीं कर पाते हो तो अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग, जो भी अपने कैपेबिलिटी के अनुसार, आप उन चीज़ों को समझ के एक ही चीज़ों के साथ चलो, ठीक है। लेकिन अगर आप कैपेबल हो कि आप इतनी चीज़ों को एक साथ मैनेज कर सकते हो, तो गो फॉर इट यार, किसने रोका है, गो फॉर इट, जाओ और करो, क्योंकि ये करने का समय, सोचने का समय पहले था, पहले चीज़ें अलग थीं, पहले लोगों के पास जरिया नहीं था अपने आप को दिखाने का, अपने आप को समझा, मतलब अपने आप को मार्केट में लेके आने का, अपने आप को एक मौका देने का नहीं था। टाइम इज नाउ चेंज, बिल्कुल चेंज हो चुका है, अब एरा बदल चुका है, यू कैन डू एनीथिंग इन योर लाइफ मैन, यू कैन डू एनीथिंग इन योर लाइफ। सो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही गाइज, अगर आपको ये जो मैंने समझाया वो समझ में आया तो प्लीज़ गाइज, प्लीज़ 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 गो एंड अप्लाई। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, जय हिंद।